स्टार्ट। हमारे दिल में आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, हमारे दिल में आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, शराबी नैना करते हैं तीखे से बार ये तेरे। हम जहाँ पर खड़े हैं वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये इसरो का एक सेंटर है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। क्या लग रही है यार, रॉकेट रॉकेट ही लग रही है पूरी। ओ मेरे दिल में जारी तेरी दुनिया दीवानी, जो मेरे दिल में छुपी है तुझे वो बात बतानी। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 6:40 और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वैसे मैंने जो सामान वगैरह है सब कुछ पैक कर लिया है, और आज का जो ट्रैवल है दोस्तों वो है चेन्नई से विजयवाड़ा तक का। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी वीडियो में, और इस रोड ट्रिप पर आने वाला है ज़बरदस्त मज़ा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, भाई साहब आपको बहुत मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आता हो तो दोस्तों वीडियोज़ को स्टार्टिंग में ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। स्टार्ट होने से पहले मैं जो अपनी प्रमोशन है थोड़ी सी कर देता हूँ, तो फटाफट डीजी द वांडरर को सबसे पहले फॉलो कर लीजिए। और अब करते हैं आज का सफ़रनामा शुरू। तो भाई आज से जो एक्चुअल में रोड ट्रिप है मेरा वो हो रहा है शुरू। मैं चला रहा हूँ RR 310, और मेरा जो लगेज है वो जाएगा इस गाड़ी के अंदर, बाकी मैं फ्री होकर बाइक चलाऊँगा। विकास भाई और सनी भाई अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ। और ये देखिए सामने का जो डैशबोर्ड है थार का, जितने भी बाइकर्स क्लब्स हैं उनके स्टिकर लगे हुए हैं। अच्छा, किसी को भी चैन ग्रीस वाइजर और ये चाहिए तो ये सब इसके ऊपर कोने में रखा है। सो फाइनली अब मैं ये चलाने वाला हूँ RR 310, और आज का जो सफ़रनामा है वो हो चुका है स्टार्ट। अभी हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि विजयवाड़ा। जी हाँ, यहाँ से 465 किलोमीटर के आसपास है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। बाकी सुनील भाई चला रहे हैं H2, विकास भाई चला रहे हैं रॉकेट R3, और सनी भाई और मनन भाई अभी कार के अंदर थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे, उसके बाद स्विच करते रहेंगे। धूम मचाने वाले हो? धूम। ऑल सेट? Yes. टायर देखो यार, रॉकेट R3 का कितना चौड़ा है। अपाचे RR 310 यार बहुत ही सही बाइक है, काफ़ी हल्की है, काफ़ी निम्बल है, मज़ा आता है इसको चलाने में। कल भी चलाई थी मैंने, और इसके बाद चलाएंगे एंटॉर्क, फिर कोशिश करूंगा मैं रॉकेट R3 चलाने की। कहीं पर स्टेट हाईवे आएगा तो स्विच करेंगे उसके ऊपर भी। चेन्नई का ट्रैफिक काफ़ी खतरनाक सा है, कल भी हम थोड़ा सा फंस गए थे। क्या लग रही है यार, रॉकेट रॉकेट ही लग रही है पूरी। सी, जैसा कि मैंने एक वीडियो में और बोला था कि भाई इसका इंजन अगर साइड से आप देखो तो मुझे तो लगता है यार बिल्कुल ट्रेन का इंजन है। भाई साहब बवाल ट्रैफिक है, बवाल ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक से फटाफट निकले ज़्यादा बेटर रहेगा। ओ भाई साहब, इतने ट्रैफिक में भी सनी भाई की गाड़ी आगे, क्या बात है। और सनी भाई ने अपनी गाड़ी पे ज़बरदस्त मॉडिफिकेशंस कर रखी है, एक प्रॉपर वीडियो उसका भी आएगा। पूरी मॉडिफिकेशंस जितनी भी हैं सारी की सारी आपको बताएंगे डिटेल में। आपड़िया समझे? ओ भाई साहब, वो देखो होता है क्या है कि बड़ी बाइक्स को देखकर लोगों में थोड़ा सा जोश आ जाता है, और वो उल्टी सीधी भगाते हैं, जैसा कि अभी आपके सामने हुआ, दो लड़के थे। ओ ओ ओ, ये कहाँ पहुंच गए? ओ ओ ओ, तो भाई ये लगता है कि कोई बॉर्डर आ गया है, मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कहाँ पहुँचे हम, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है। बाकी विकास भाई और जो गाड़ी है वो मेरे पीछे ही है, सुनील और जहीर शायद आगे निकल गए हैं। एक मिनट, अरे भाई साहब सारे ट्रक ही ट्रक लगा रखे हैं यहाँ। लग तो रहा है कि हम आंध्रा के बॉर्डर में घुस गए हैं शायद, आंध्रा में भी हो सकता है। यहाँ से जाड़ताल ताका है 1 किलोमीटर। भाई साहब नाम देख लो, शहर देख लो, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं।
क्योंकि यार बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि यार जब भी आप किसी जगह से ट्रैवल करो, रोड से जाओ, तो शहरों के, नदियों के नाम या मतलब कि गांव वगैरह के नाम बोलते हुए चलो, जिससे उन्हें भी पता चले कि मैं कहां से गुजर रहा हूं, क्या रूट है अपना, क्या हुआ, क्या बता रहे हैं। सीधा जाना, सीधा क्या हुआ? श्री हरिकोटा अभी। अरे भाई साहब क्या हुआ? अच्छा इसके साथ फोटो लेना है। सुनील जी डरा दिया मुझे इसने। भाई साहब मुझे थोड़ी देर बाद समझ आया ये पुतला है। ये ना गड़बड़ लगा रखी है, वैसे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। हो क्या करना है? एक मिनट। तो यहाँ से मुड़ना है हमें श्री हरिकोटा के लिए। चलो जी अपनी जो गाड़ी है वो तो मुड़ गई, हम भी मुड़ जाते हैं। तो भाई साहब हम पहुंचे हैं श्री हरिकोटा और ये रही हमारी महिंद्रा की थार यानी कि बाइकर्स कार, और उधर चल रहा है फोटो शूट रॉकेट R3 का। बाकी इधर है तीन रॉकेट ये है और TR रॉकेट एक वो है। बाकी अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, पूरे 2.5 महीने बाद मैं कुछ अच्छा अच्छा सा फील कर रहा हूँ बाइक चला के। सुनील जी। हाँ जी एक सेकेंड। ये हमारे पार्टनर। हाँ लास्ट टाइम हमारी राइड चेन्नई में खत्म हुई थी। नहीं वैसे उसके बाद तो म्यांमार में भी हुई थी। म्यांमार में भी हुई थी लेकिन RR 310 पे हम लोग ट्रेसिंग द रूट्स कर रहे थे। तो राइड हमारी खत्म हुई थी चेन्नई में और आज भरी गर्मी में करी थी। तो मज़ा आ रहा है। बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लग रही है। गर्मी ज्यादा लग रही है लेकिन पिछली बार से बहुत कम है। अच्छा पिछली बार से तो बहुत कम है। हम जहाँ पर खड़े हैं वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये इसरो का एक सेंटर है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो इंडिया ने अभी तक जितने भी रॉकेट्स छोड़े हैं, जितने भी जो स्पेस में गए हैं सैटेलाइट्स लेकर, वो सारे यहाँ से लॉन्च होते हैं, वो यहाँ पर असेंबल होते हैं। डमी लगा रखी है ये तो डमी है। हाँ डमी है। मैं बता देता हूँ ये है PSLV जो इंडिया का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो इंडिया का वर्क हॉर्स है। मतलब इंडिया के आई थिंक 95% सैटेलाइट जो इंडिया से लॉन्च हुए हैं वो इसी रॉकेट पर गए हैं। PSLV ये इंडिया का वर्क हॉर्स है। ठीक है उसके पीछे है GSLV वो इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता है। मतलब आई थिंक अप टू 30,000 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से 30,000 किलोमीटर्स ऊपर तक। H2 को लेके चले? हाँ हम लगा सकते हैं इसके ऊपर, वो ले जाएगा। और उसके पीछे वो भी GSLV है लेकिन वो आई थिंक वो तो पुराना वेरिएंट है, ये लेटेस्ट वेरिएंट है GSLV का जो सबसे इधर है। तो वही यहाँ की जो फोटोशूट वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। अब बढ़ चुके हैं हम आगे विजयवाड़ा की तरफ। और अगर आपको फोटोज़ वगैरह देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए DGTheWanderer, जो कि स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर ये सारी फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो जी फटाफट भागते हैं आगे की तरफ। और राइट हैंड साइड पर देखिए पानी भरा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी पानी भरा हुआ है। एक्चुअली एक बर्ड सेंचुरी है तो यहाँ पर बगुले हैं, फ्लैमिंगोज हैं, सीज़न में आते हैं बहुत सारे। ये देखो नज़ारा देखो दोनों तरफ। रन ऑफ कच्छ की याद आ गई मुझे जब हम नड़ापेट बॉर्डर गए थे। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। यही वाला गाना याद आता है। वैसे मैंने दूसरी कंट्रीज़ में सिर्फ म्यांमार, भूटान और नेपाल किया है, लेकिन यार कभी ना कभी ये जो दुनिया है ना घूमने का बहुत मन है। एंड आई होप सो कि ये मेरा जो सपना है पूरा हो किसी ना किसी दिन। जिस दिन पूरा होगा ये भाई, उस दिन भाई मोक्ष मिल जाएगा मुझे, मोक्ष। और ये देखो यहाँ पर हो रही है फिशिंग, क्या बात है। ये देखो 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 देखो, देखो। मच्छी पकड़ता है, मच्छी फिश व्हाट केकड़ा स्कॉर्पियन फिश नहीं सर। व्हाट यू आर सर्चिंग? इंग्लिश नो English no, Tamil, हिंदी नो,
तो यहाँ पर तमिल, नो नो आई डोंट नो तमिल, ओके। तो जी ये यहाँ पर फिशिंग वगैरह कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है, बाकी मैं इसीलिए रुका था कि पूछते हैं इनसे, क्योंकि यार लोकल से बातें करते रहो ना मज़ा आता है, लेकिन इनको जो भाषा है वो समझ ही नहीं आ रही है, ना हिंदी ना इंग्लिश। दिखाना क्या है, ये फिशिंग नेट है ना, नेट है, दिखाना, यस दिस इज़ फिशिंग नेट। मेरे ख्याल से तो मछली पकड़ रहे थे ये, सी भाई पहली बार मैंने हाथ में पकड़ा कोई फिशिंग नेट, थैंक यू, चलो ओके बाय। देना एक नारियल, नारियल मलाई वाला मलाई, यस 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 भाई साहब गर्मी का इलाज नारियल पानी, हालत टाइट हो गई, बढ़िया थैंक यू। मलाई है इसमें, अपनी तो आवाज़ भी भारी हो गई यार, मलाई तो लग नहीं रही, चलो पानी पी लेते हैं। फोटो, हाँ 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 पक्का पक्का, आपका वाला स्टाइल नहीं ये वाला है ना आपका, अरे बाप रे, तो पाँच बजे सॉफ्ट लाइट आएगा, हाँ तब ठीक है, तब ठीक आएगा। तो भाई हम पहुँचे हैं अभी नेल्लोर, और करीबन हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिए है ना, 200, और अभी भी 200-250 बाकी है यार, पहुँचेंगे शाम तक पहुँचेंगे। चलो भाई टाइम आ गया है निकलने का, बेसिकली यार हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अब थार में बैठ जाऊँ, थार। ये था प्रेस्टो जहाँ पर हमने किया लंच, पिज़्ज़ा वगैरह मिला यहाँ पर, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है कैफ़े। नमस्ते जी, वाले कार में आप आ गए उधर, और इस ये कौन चला रहा था, ये सुनील चला रहा था, सुनील जी वो, सुनील वो चला लेगा फिर, कौन सी, हाँ वही चला रहा है, जेट से घोड़े पे आ गए हाथ तो मिलाओ यस यस श्योर विद हेलमेट, ओके चलिए बैठा जाए थार में, अब करेंगे सवारी हम थार की, बातें करेंगे आर पार की, ओके हाँ हेलमेट टकरा गया हमारा, स्टार्ट। हमारे दिल में आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, जरा भी नैना करते हैं दिखे से बार ये तेरे, ये हमारे दिल में आते हैं सिग्नल इन्होंने गाया हुआ है जो मेरे दिल में छुपी है तुझे वो बात बतानी, मेरी दिल मर जानी तेरी दुनिया दीवानी,
अल्टीमेट सॉन्ग है भाई, अल्टीमेट सॉन्ग है और मनन सर ने गाया हुआ है ये। एक्चुअली सर नहीं बोलूंगा, मनन भाई बोलूंगा। जब भी मेरा मन करता है ना कोई गाना सुनने का, सबसे पहला ये वाला गाना लगा दो, क्योंकि इसकी बीट अमेजिंग है यार, अमेजिंग। तो यूट्यूब चैनल मनन भाई का भी है, तो वहाँ पे जाकर देखना ये वाला गाना। और भी गाने गाए हुए हैं लेकिन स्पेशली ये वाला गाना है ना, बहुत धूम मचाता है, धूम। थैंक यू। तो भाई साहब नींद बहुत तेज़ आ रही है, एक्चुअली एक बज चुका है और हालत ख़राब हो गई है। हालांकि पूरे दिन मैंने बाइक नहीं चलाई, लेकिन यार कार में बैठ के भी थक गया थोड़ा सा। बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुबह से दोपहर तक 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास तक मैंने बाइक चलाई, फिर उसके बाद मैं कार में चला गया था, लेकिन थकावट ज़्यादा हो गई। आई होप आपको ये जो व्लॉग है सही लगा होगा। वैसे ड्रोन शॉट वगैरह तो डाले नहीं, एक्चुअली कैप्चर नहीं कर पा रहे क्योंकि फास्ट पेस जर्नी चल रही है, फास्ट पेस। रूम कुछ ऐसा है, होटल का नाम मुझे खुद नहीं पता कौन सा है। बाकी डिनर जो है वो हमने दूसरे होटल में किया, यहाँ पर रेस्टोरेंट था नहीं। और फाइनली अब टाइम हो गया भैया सोने का, आँखें हो रही है बंद, तो चलिए करते हैं, बाय बाय। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.